संसद में चीन को रोकने के लिए बिल रक्षा सचिव बोले, चीन के पास कोई सहयोगी नहीं। अमेरिका में 40 साल पहले ही आया कोविड, गंदे से होता रहा बिजनेस। रूस ने ट्विटर पर लगाया जुर्माना, जानिए क्यों उठाया ये कदम। बांग्लादेश का सच बताने पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अमेरिकी हिंदू सोसाइटी को इमरान सरकार ने दी धमकी। प्रधानमंत्री मोदी ने की बंगाल के सीएम के साथ बैठक, रियाज तूफान से हुए नुकसान का लिया जायजा। नारदा मामले में गिरफ्तार चार नेताओं को कलकत्ता एसजी ने दी अंतरिम जमानत, सीबीआई जांच में होना होगा शामिल। वैक्सीन की डोज बर्बाद होने की खबर पर भड़के सीएम गहलोत, कहा खबर छोटी है। कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट। कोरोना पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। बीते वित्त वर्ष पकड़े गए 545 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट, सबसे अधिक इन नोटों का हिस्सा। दूसरी डोज बनी मुसीबत, सरकार के नए नियमों से फंस गए लाखों भारतीय, नौकरी के लिए नहीं लौट पा रहे विदेश। भारत को लगा बहुत बड़ा झटका, किदांबी श्रीकांत और साइना नेहवाल की टोक्यो ओलंपिक में खेलने की उम्मीदें खत्म। अयोध्या में दीवारों पर वॉल पेंटिंग से विवाद, साधु संतों ने सरकार से जताया विरोध। कपिल देव ने टीम इंडिया को दिया इंग्लैंड में WTC फाइनल जीतने का गुणमत।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की भविष्यवाणी। अश्विन तोड़ सकते हैं मुरलीधरन के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड। बाजार में खरीदारी हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन 307 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 15,400 के पार बंद। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 30 जून तक बढ़ाई गई। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का दावा, भारत में टीकाकरण दिसंबर 2021 से पहले पूरा हो जाएगा। बीसीसीआई एसजीएम बोर्ड की अहम बैठक कर टी20 विश्व कप आईपीएल सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा। उद्घाटन के पहले ढह गया रांची का सबसे बड़ा पुल, अवैध बालू खनन या यास ने किया कमजोर, गुणवत्ता पर उठे सवाल।